भाई ये एपिसोड देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिस इज द डार्केस्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। वो डरावना सच देखने को मिला जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये पूरा एपिसोड डेडिकेटेड है एली के स्ट्रगल, सर्वाइवल, इमोशन एंड डार्कनेस को लेकर। शुरुआत होती है कोलोराडो रिजॉर्ट से, जहां लोगों का ग्रुप है फॉर सर्वाइवल और उनका लीडर है डेविड और उसके साथी में से एक जेम्स का। पिछले एपिसोड में एंड में जोल ने जिसको मारा था वो उन्हीं के ग्रुप का था, नाम एलेक मेनिसन। एली शिकार पे जाती है बट वो खुद शिकार बन जाती है। जोल को वॉर्न करते हुए एली अपने डीप कनेक्शन का प्रूफ देती है उन सबको डाइवर्ट करके, एंड जोल प्रूफ करता है सभी हॉस्टेजेस को ब्रूटली मारकर। एली को केज से वो दिखता है जो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। फिर ये डार्क ट्रूथ पता चलता है कि एलेक मेनिसन के बॉडी से ही स्टू बनाकर खा रहे थे ये सब। इमेजिन डूड, उसकी बेटी को ही उसके फादर का स्टू पिलाना, लाइक बहुत ज्यादा डार्क एंड डिस्टर्बिंग था ये। यानी जितने लोग भी मरते थे ये उन सबको खाने का रूप देता था। डेविड और एली के कॉन्वर्जेशन में डेविड खुद को एली के सिमिलर बताता है, लेकिन एक लीडर की क्वालिटी ये नहीं कि एबनॉर्मल चीजें भी शुरू कर दे। यहाँ तक कि जेम्स भी गिल्टी फील कर रहा था, बट लीडर का डोमिनेंस हाई लेवल पर था। वहीं जो लोकेशन पे पहुंचता है वहीं देखता है हेडलेस ह्यूमन बॉडीज रैप्ड अप करके उल्टा लटका दी गई है। एक एपोकैलिप्टिक पीरियड इंसान को जानवर से भी नीचे गिरा के रख देता है। ये हमें डेविड से पता चलता है जो कॉर्डिसेप्स को एम्ब्रेस करता है, उसके फंक्शंस की तारीफ करता है। डेविड बस एक डोमिनेंट लीडर बनना चाहता था बाय हुक और क्रुक, वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का। डेविड एली के साथ दुष्कर्म करने पे आ जाता है। यहाँ पे बात आगे बढ़ जाती है, तब एली का वो डार्क साइड बाहर आता है जो पूरे ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर देता है। धधकते हुए आग में एली डेविड को 20 बार स्टैब करते हुए अपने आप को बचाती है। वो सीन एक मूवमेंट के लिए फ्रीज कर देता है। वहीं पे एली के इनोसेंस को बुलाकर एक खूंखार एली देखने को मिलती है। वहीं जोल एली को ढूंढ लेता है और उसके वर्ड्स होते हैं इट्स ओके बेबी गर्ल, और बस जोल एली से ज्यादा शांति तो हमें मिलती है। यहाँ से पक्का हो जाता है जोल एंड एली का कनेक्शन। पूरे एपिसोड में एक अनकंफर्ट नजर आया, हम भी बेचैन हो जाते हैं एली जोल के सेपरेशन को लेकर, इतना कनेक्ट हो जाते हैं हम दोनों से। गेम अडैप्टेशन इज वेल डन, गेमर्स ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे देन नॉर्मल ऑडियंस, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। बिकॉज एज आई सेड, माइनर चेंजेस विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। और यार फायर सीन क्या ताबड़तोड़ था। ओवरऑल इट्स अ शॉकिंग डिस्टर्बिंग एपिसोड 8 ऑफ द लास्ट ऑफ अस। आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन देखकर फ्रीज मत हो जाना, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त। मिलते हैं जल्दी, टिल देन दिस इज बस पायलट साइनिंग आउट।